Hi viewers, welcome to our channel Blind Tech Official. If you want the new technical tutorials, then you are come to the right place. Subscribe to Blind Tech Official YouTube channel, and press the bell icon for the latest updates. हेलो दोस्तों, मैं शफीक आज आपके लिए इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियो के साथ आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लैपटॉप में स्क्रीन को डिम कैसे करते हैं, यानी स्क्रीन को हाइड कैसे करते हैं, स्क्रीन मतलब कर्टन स्क्रीन कैसे करते हैं। मोबाइल में तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन लैपटॉप में भी हम कर सकते हैं आसानी के साथ, वो भी हमारे स्क्रीन रीडर के साथ आप कर सकते हैं। जॉस के साथ तो इंसर्ट स्पेस F11 इसी तरह की कमांड यूज़ होगी, लेकिन हम NVDA में देखेंगे किस तरह से आपको करना है। थोड़ा सा तरीका अलग है, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसको कर सकते हैं। पहले तो ये मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। स्क्रीन हिडन का फीचर हमें इसीलिए काम आता है, कुछ हम पासवर्ड वगैरह जैसी चीज़ें हम पब्लिक प्लेस पर होते हुए नहीं मार सकते, अगर हम टाइप करेंगे भी तो कुछ ना कुछ शो हो जाएगा। अपनी प्राइवेसी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये हमें फीचर मिलता है। आप पब्लिक प्लेस पे वगैरह अपने जो भी अकाउंट डिटेल्स या बैंकिंग आप यूज़ करें, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करें, तब आपको बहुत ये हेल्पफुल होता है। इसके लिए आप ये स्क्रीन हिडन का फीचर यूज़ करते हैं, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, हर किसी को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो आपकी कोई डिटेल लीक ना हो जाए कोई पब्लिक प्लेस पर होते हुए। तो इसको कैसे करना है, मैं NVDA यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन, तो यहाँ पर मुझे जाना होगा NVDA मेन्यू में, प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स में भी नहीं जाना है हमें, इनपुट जेस्चर्स में हमें जाना है। पहले तो इसका जेस्चर हमें यानी शॉर्टकट की खुद से बनानी होगी, जो कि हम बनाएंगे। यहाँ पर सारे ऑप्शन आएंगे डाउन एरो से, तो हमें डायरेक्ट विजन में जाना होगा। वी से मैं जाऊंगा, सॉरी, ये क्लैप्स है, तो इसको राइट एरो से एक्सपैंड करेंगे हम। यहाँ पर देखिए वन आइटम, देखिए ये ऐसा अपने हिसाब से हम इसको कस्टमाइज करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए ऑल्ट ए भी आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए इनपुट जेस्चर, तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा, एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के नाम से मतलब यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्क्रीन हमारी ब्लैक हो जाती है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ऑल्ट बी, ऑल्ट कंट्रोल बी, जिस तरह से हम NVDA में ऑल्ट कंट्रोल एन से ऑन करते हैं, तो ब्लैक स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की जो होती है मतलब बी फॉर ब्लैक, मैं इस तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ऑल्ट कंट्रोल बी चाहे तो रख सकते हैं, या कोई और शॉर्टकट रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंटर करना होगा, देखिए ऑल्ट कंट्रोल बी, रिमूव आप यहाँ से कर सकते हैं, रिसेट टू फैक्ट्री आप कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारी फाइनली शॉर्टकट की बन गई, इस पे हम प्रैक्टिस आपको करके बताएंगे, स्क्रीन पर आप देखिएगा। देखिए टेम्पररी स्क्रीन कर्टन अनेबल हो गया है फाइनली। तो इसी तरीके से आप अपने स्क्रीन को या अपने मतलब स्क्रीन को कर्टन कर सकते हैं, यानी स्क्रीन को हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी स्क्रीन हाइड होगी। आई थिंक आपको ये प्रोसेस पता रहा होगा, जिसको नहीं पता था उनके लिए मैं मतलब वीडियो क्रिएट किया। ज़रूर इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए, और अपना टाइम निकाल कर छोटा सा फीडबैक ज़रूर हम तक शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। Hope you like this video. If you have any question or suggestions, then you can comment below. And you can email us for any help. Our email ID is blindtech.info@gmail.com. That is blindtech@gmail.com. Thanks for watching.